मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के इटावा जनपद में एक महीने में गलत ऑपरेशन की वजह से दो लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को नहीं है तैयार। ऐसे डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। वहीं आज एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। यूपी के इटावा जनपद के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बने मां शारदा क्लिनिक पर एक युवक की रात के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने भाई को पथरी के इलाज के लिए मां शारदा क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां पर उनके भाई का गलत तरीके से इलाज किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जिस वक्त युवक की उपचार के दौरान मौत हुई, उस वक्त जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर AK साक्य भी मौजूद थे। इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि AK साक्य हमारे जिला अस्पताल वार्ड में इमरजेंसी मरीजों का उपचार करते हैं। अगर सरकारी डॉक्टर मां शारदा क्लिनिक हॉस्पिटल पर मौजूद था और जिसकी देखरेख में ऑपरेशन किया गया, तो डॉक्टर के खिलाफ हमारी ओर से कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पेशा इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश, ये जो खत्म हुए हैं वो तुम्हारे कौन थे और किस हॉस्पिटल में लगे, क्या मामला था? भाई थे मेरे साथ, मां शारदा हॉस्पिटल था, ऑपरेशन के लिए गया था। किस चीज़ का ऑपरेशन? वो पित्त की थैली के लिए, उसमें सर ऑपरेशन किया, पथरी के लिए गए थे, उसमें कुछ मुझे दिखाया नहीं था, बोला मैं बम्बई भेज रहा हूँ उसकी चेकिंग के लिए। फिर उसके बाद? उसके बाद सर ये बता रहे कुछ नहीं, कल मैं आया देखने गए तो बता रहे अभी नॉर्मल में है, तो शाम को कुछ बताया ही नहीं उन लोगों, जो अपना हॉस्पिटल बंद करके भाग गए। हॉस्पिटल बंद करके भाग गए, बाहर निकाल दिया उन्होंने? बाहर निकाल दिया है सब लोगों को। इसकी सूचना संबंधित थाने को आपने अवगत कराई थी? कराया था सर मैंने। क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं लिखी गई सर। क्या बोल दिया उन्होंने? बोला ठीक है अभी ले जाओ, मैं घर पे आ रहा हूँ तब ही करूँगा आके। सर जिस तरीके से आज एक मामला संज्ञान में आया है कि मां शारदा क्लिनिक रतना रोड पर एक क्लिनिक खोला गया है, जिसमें आपके ही हॉस्पिटल का एक ही शाक्य करके कोई डॉक्टर उस क्लिनिक चला रहे थे, उसी दौरान एक 35 वर्षीय युवक की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये ऑपरेशन ही गलत करने के कारण मृत्यु हो गई, क्या मामला? मां शारदा क्लिनिक पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। इसको उसके परिजनों को चाहिए कि उसके खिलाफ FIR करा के उस पर पूरी विधिक कार्रवाई कराएं, और हमारे विशेषज्ञ उनको पुलिस को जांच में पूरा सहयोग देंगे। आपके ही डिपार्टमेंट के एक शाक्य किस पोस्ट पे हैं आपके यहाँ, और वो किस तरीके से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरीके से हॉस्पिटल खोला हुआ? जैसा कि CMS मेल हॉस्पिटल से अभी दूरभाष से बात करके मालूम हुआ कि डॉक्टर AK साक्य इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर हैं, और ये एक फिक्स पेपर एग्रीमेंट की तरह के तौर पर इनकी पोस्टिंग हुई है। इनको ड्यूटी के घंटों के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस की सुविधा है, लेकिन अगर इन्होंने बगैर रजिस्टर्ड की क्लिनिक पर कोई ऑपरेशन किया है तो इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस को भी पूरा सहयोग किया जाएगा, हर तरह की कार्रवाई की जाएगी।